हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था, जो कि इंस्ट्रोन 5402 के बारे में था, 14। उसके बाद कई दोस्तों के पोस्ट आए और सभी ने अपने क्वेरी और क्वेश्चन किए, और उसके बाद फिर सभी ने बोला कि आप एक फुल डिटेल्स रिव्यू बनाइए। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं आपकी सब क्वेरी बताता हूँ और इस लैपटॉप के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ प्रोडक्ट डिटेल और कुछ टेक्निकल डिटेल्स 5402 इंस्ट्रोन के बारे में। और इसके बाद हम जानेंगे कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो इसके साथ पैकेज में क्या क्या आता है, और उसके बाद जो ऑफ़र अवेलेबल करवाती है डेल कंपनी 5402 इंस्ट्रोन के बाद, तो वो ऑफ़र में हमें किस तरह से हमको सब्सक्राइब करना और किस तरह से हम वो ऑफ़र ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपके जितने भी डेल एंड वोस्ट्रो सीरीज के जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा कि कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है, क्योंकि इस समय पे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर कंफ्यूज कि हम विच विल बी द बेस्ट फॉर आवर रिक्वायरमेंट, राइट। सो हम थोड़े कंफ्यूजन है कि कौन सा लेना है, काफ़ी R&D करते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं, तब भी समझ में नहीं आता है कि लेना कौन सा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। उसके बाद आती है क्वेरी की बारी, तो जो भी आपने पोस्ट करी और जो क्वेरी इसमें पूछी है, आपने जो आस्क किए हैं क्वेश्चन, तो उसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि ये जो लैपटॉप है 5402 14 इंस्ट्रोन i5, वो कितना टाइम लेता है बूट होने में, ओके। बिकॉज इसमें SSD है, तो आप सोचेंगे कि यार ये बूट में कितना टाइम लेता है, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये बूटिंग में कितना लेता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है, अभी स्विच ऑफ है, और अब मैं पावर बटन दबा रहा हूँ, ये मैंने पावर ऑन किया, ठीक है। अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है लाइव आपके सामने, ये ये ऑन हो गया, ठीक है। 333 अभी बूटिंग में आपको मुश्किल से मैं कह सकता हूँ कि मतलब हाफ मिनट भी नहीं लगता है बूटिंग में, ठीक है, मतलब बहुत कम लगता है और एकदम सही ऑन हो जाता है, ओके। तो ये हो गया इसका बूटिंग टाइम के बारे में, और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और दिखा देता हूँ कलर। मैंने ये जो ईडन कलर लिया है, तो ईडन कलर का मीनिंग ये है कि अभी डेल 2 तरह के वेरियंट निकल रही है, एक ईडन कलर और एक सिल्वर, राइट। सो ईडन कलर थोड़ा थोड़ा आपको ग्रे कलर से ही ग्रे कलर जैसा ही दिखेगा, और इसकी खासियत ये है कि ये देखो, अभी आप जैसे जो रिफ्लेक्टिंग है लाइट का, उसमें आपको की ब्लैक दिख रहा होगा, राइट। तो कभी इसका की ब्लैक दिखता है, और कभी ज़्यादा लाइट में आप देखेंगे तो इसके की ग्रे दिखेगी, राइट, ग्रे कलर का ये लाइट, और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अभी इसके मैं आपको ये पोर्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, ये देखिए, तो इसमें ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को हम सबसे पहले पावर है, यहाँ पे हम नॉर्मल पावर जो होती है, इस नॉर्मल पावर केबल जो हम इसमें अटैच कर देंगे, यहाँ पे पास में एक इसका इंडिकेटर होता है, जैसे हम प्लग करते हैं यहाँ इंडिकेट करता है कि इट्स चार्जिंग। इसके पास में HDMI केबल है, ओके, दिस इज़ द HDMI केबल, दिस इज़ द USB पोर्ट 3.2, एंड ये Type-C चार्जर, मतलब Type-C चार्जर भी हम यहाँ लगा सकते हैं, ओके। इसके बाद इस साइड कुछ नहीं है, और फिर हम इस साइड आते हैं, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो पोर्ट है, ये है SSD, माइक्रो SSD कार्ड, ओके। यहाँ पे हम SSD कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड को लगा के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पास में एक USB और है, जो कि मैंने अभी माउस लगा रखा है, USB माउस का एडजस्टमेंट आई कैन रिमूव, ये देखिए, यहाँ पे एक USB और मिलेगी, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा हेडफोन लगाने का 3.5 mm जैक, ओके, हेडफोन लगाने के लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें, इसका जो एयर के लिए, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ दी है, यहाँ पे एक एयर निकलने के लिए कुछ दिया है, और कुछ तो बहुत लाइट एयर फैन की जो हीट निकलती है वो यहाँ से निकलती है। अब आप सोचेंगे हीट यहाँ से निकलती है तो यहाँ रिफ़्लेक्ट होती है क्या? मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो यहाँ रिफ़्लेक्ट करे स्क्रीन पे, ओके। और बहुत लाइट वेट ही रहती है, मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम प्रोड्यूस करती है वो हीट, ओके। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मतलब आपको इससे, पहले बात तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तभी वो फ़ैन
रन होता है प्रोसेसर फ़ैन, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल राइट। फ़ैन के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और ये देखिए इसका बैक साइड ऐसा है, यहाँ पे ये जो ग्रिप होती है ये रबर की होती है ओके। तो आप जब ऐसे मूव करते हैं तो ये सीधा इस पर इसका लोड हो जाता है लैपटॉप, यहाँ पर गैप बन जाती है दोनों साइड। तो ये हो गया हमारा इसका एक फिज़िकल आउटलुक राइट। अभी आपको और मैं कुछ बताता हूँ, ये जो इसका लाइट वेट का कारण ये है कि डेल ने क्या किया है कि यहाँ से जितना भी इसका विड्थ होता है प्लास्टिक का वो सब इन्होंने रिमूव कर दिया है ओके, बहुत कम है और इसलिए ये, और इसलिए इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। और ये जो टच पैड है ये काफ़ी मतलब इसके एरिया वाइड है तो हम इजीली कर्सर को मूव कर सकते हैं इजीली, और की भी काफ़ी सिस्टमेटिक है। सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं कि यदि हमें कुछ डिलीट करना होता तो हमारा जो फिंगर है वो डायरेक्टली पावर बटन पे जाता है, और जबकि डिलीट उसके पास में है डिलीट बटन, तो हमें थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा इसके लिए। बाकी कुछ भी सब बैकलाइट के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है, बैकलाइट भी इसमें चलती है राइट। तो अब कई लोगों का सवाल था कि सर इसमें फिंगरप्रिंट है या नहीं, तो यहाँ पे ये पावर बटन दिया हुआ है और फिंगरप्रिंट इसमें नहीं है। आप डायरेक्ट पावर बटन दबा के इसको, ये आप इसको स्लिप भी कर सकते हैं डायरेक्ट पावर बटन से, और पावर बटन दबाया तो ये ऑन हो जाता है राइट। अब इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप इसको पासपोर्ट से भी, आप इसमें पासपोर्ट को यूज़ करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको यदि सिक्योरिटी चाहिए तो मैंने जैसे कि ये सिक्योर किया ठीक है, मुझे अब यहाँ पे सिक्योर है, आप इजीली पासपोर्ट डालिए, पासपोर्ट डालने के बाद आपको ये सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। तो स्कैनर का इतना वो नहीं रहता है ठीक है। अभी मैं आपको इसमें कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि इस लैपटॉप के मेन स्पेसिफिकेशन क्या है राइट। सो लेट मी ओपन वन फाइल दिस वन। अभी एक स्पेसिफिकेशन और बताता हूँ आपको, यदि आप सर्च बार में यहाँ पे डालेंगे नाइट NIGHT नाइट लाइट ओके, यू कैन सी हियर नाइट लाइट। सो आपने देखा होगा कि आपको मोबाइल में कभी कभी हम आई कंफर्ट या फिर कुछ नाइट कंफर्ट या आई कंफर्ट के नाम से कुछ एक फीचर्स होता है जिससे हम लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नाइट विज़न और रीडेबल मोड, किसी मोबाइल में रीड मोड के नाम से रहता है, तो वो सेम फीचर इन्होंने इस लैपटॉप में भी दिया हुआ है। तो वी कैन एडजस्ट एज़ पर आवर आई सेट ओके। और यदि आपको की से इसको स्लिप करना है तो यू कैन विंडोज़ एक्स यूएस से भी आप इसको स्लिप कर सकते हैं ओके, विंडोज़ एक्स यूएस शॉर्टकट की राइट। सो आपको मैं बता रहा था कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि वो किस टाइप के स्पेसिफिकेशन है, लेट मी शो यू। सो सबसे पहले ये कोर i5 है और 11th जनरेशन डेल राइट। सो इसमें 11th जनरेशन है, 11135G7 प्रोसेसर है और इसमें 8MB कैशे है, लाइक 8MB कैशे राइट, अप टू 4.2 GHz राइट। दिस इज़ द प्रोसेसर डिटेल, एंड इफ़ वी गो विथ विंडो एंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इन दैट विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज ओके। इसमें होम विंडोज़ प्रो भी होता है, लेकिन यदि आप पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो आपको ये विंडोज 10 होम सिंगल एडिशन इसमें आएगा। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड का, कई दोस्तों ने इसमें पूछा था कि इसमें ग्राफिक कार्ड्स कौन सा है, तो ग्राफिक्स कार्ड इसमें इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स विथ शेयर्ड ग्राफिक्स मेमोरी है। और ज़्यादा डिटेल में मुझे ग्राफिक्स का नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्राफिक्स का है तो आप डेल साइट पे जाके थोड़ा इसके बारे में पता कर सकते हैं। और इसमें 8GB 1x8GB DDR4 रैम है, DDR4 3200 MHz की। अब 8GB इसमें रैम है, लेकिन आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं 32GB रैम तक ओके। इसके बाद हम आते हैं 512GB M.2 PCIe NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव भी शायद टू टाइप की आती है, लेकिन इसमें 512 जो डेल ने दी है वो है PCIe NVMe टाइप की ओके। और अब इसमें हम जो कि मैंने आपको कार्ड बताए थे कि किस टाइप के पोर्ट होते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। यदि आप इंस्ट्रूमेंट लेंगे
तो आपको थोड़े पोर्ट कम आते हैं, ओके, क्योंकि इसने डेल ने सोचा है कि इसको लाइट वेट बनाया जाए तो उसने पोर्ट कम कर दिए। यदि आप इसमें वोस्ट्रो लेंगे तो शायद आपको पोर्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें एक माइक्रो एसडी कार्ड रीडर है, एक यूएसबी 3.2 पोर्ट है, उसके बाद हेडफोन माइक्रोफोन के लिए एक केबल पोर्ट दिया हुआ है कॉम्बो, पावर जैक है, एक HDMI 1.4 पोर्ट है और USB 3.2 फिर से पोर्ट है, दोनों साइड एक एक पोर्ट है USB, और फिर इसमें टाइप सी केबल है, तो इस टाइप की पोर्ट इसमें है, राइट। और अभी किसी फ्रेंड ने मुझे डिस्प्ले के बारे में पूछा था कि ये किस तरह का डिस्प्ले है, तो इसका फुल HD डिस्प्ले है, ओके, FHD 4.0 इंच एंड इसमें 1920x1080 पिक्सल है, 1920x1080 पिक्सल, राइट, 1920x1080 एंटी ग्लेयर LED स्क्रीन है और बैकलीड है, नॉन टच नैरो बॉर्डर और डिस्प्ले, मतलब इसमें सिंपल आपको FHD मिलेगा। और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आपको जब भी आप इस लैपटॉप को चलाएंगे तो आपको जो स्क्रीन का डिस्प्ले रहेगा वो इतना गजब का मिलेगा कि आप बोलोगे कि यार वाह, क्योंकि FHD इट्स FHD फुल HD डिस्प्ले। और अब हम आते हैं फोर्थ पे, इसमें 4 सेल बैटरी है, ओके, जो सेल बैटरी, जो अपना इंटरनल इसमें बैटरी है जो कि 4 सेल है। अब 4 सेल है इसका मतलब इसका बैकअप भी ज़्यादा होगा, राइट। तो इसमें आगे लिखा हुआ है 453 WHR इंटीग्रेटेड, ओके, कुछ इंटरनल टर्म्स होते हैं जो 53 WHR की इसमें 4 सेल बैटरी है। अब सिंपल हमारी लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में, तो इसमें ये होगा कि यदि आप इसको 10-20% पर ये डिस्चार्ज होता है, उसके अलावा पावर केबल लगाएंगे तो एटलीस्ट इसमें 2 hours लगते हैं, मुझे लगे थे 1.45 hours टू फुल चार्ज, ओके। और जब मैंने इसको फुल चार्ज किया तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल कोडिंग करता हूँ या फिर नॉर्मल हम यूट्यूब एक्सेस करते हैं, कंटिन्यू, देखो गेम वेम में ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, नॉर्मल कोडिंग या फिर हमारा जो भी ईमेल्स है वो चेक करना और सिंपल यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़ना और एक नॉर्मल यूज़, ओके, फॉर एज ए प्रोफेशनल, तो मुझे इसमें करीब 7-8 hours का बैटरी बैकअप मिला है। अभी मुझे ये लैपटॉप जो मैंने लिया है करीब शायद मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं और अभी बैटरी बैकअप अच्छा है, लेकिन अभी फ्यूचर का मैं नहीं कह सकता हूँ, फ्यूचर का हम कमेंट करके भी बता सकते हैं थोड़े दिन बाद कि उसका बैटरी बैकअप कैसा है, तो अभी तो ठीक है। तो ये हो गया, पावर सप्लाई इसका रहेगा 65 वाट AC अडाप्टर, जो आपको अडाप्टर मिलेगा वो 65 वाट का मिलेगा। अब ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए हैं, यदि आपको लगता है कि इसमें और कुछ भी आपको मैं बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में ही बता दूंगा। तो स्पेसिफिकेशन हमारे हो गए हैं और अब पैकेज की बारी आती है कि भाई जब हम इस लैपटॉप को लेते हैं डेल से, इसको बाय करते हैं, तो हमें पैकेज में क्या क्या मिलता है। तो जब भी आप इसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर करने के 7-8 दिन बाद ये जो पैकेट है आपके पास, 2 पैकेट आते हैं, दो पैकेट आएंगे, एक पैकेट में लैपटॉप होगा और एक पैकेट में बैग होगा। बैग इसके साथ ही रहता है, एक्स्ट्रा आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, किसी ने शायद क्वेश्चन किया था कि बैग पैक का एक्स्ट्रा है या डील में, नहीं, कोई डील में नहीं है, ये आपको लैपटॉप के साथ मिलता है। और 2 पैकेट रहते हैं, वो फॉर सेफ्टी पर्पज़ वो 2 पैक में बनाते हैं डील वाले, तो एक पैकेट में, और बैग की क्वालिटी, बैग पैक की क्वालिटी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, 1999 उसमें मेंशन है प्राइस, सो वो उस वर्थ है, उस टाइप का ही बैग है। और उसमें बैग में खासियत ये लगी मुझे कि उसका जो जिप है, जो चेन है, उसका चेन थोड़ा सा जहाँ पे हमारा बैग का होता है उसके बैक साइड दिया हुआ है बैग, और वो भी कुछ थोड़ा थॉट्स है कि उसमें ज़्यादा हम मतलब लगेज या मटेरियल रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो बेटर किया है। अब ठीक है, तो एक बैग हो जाएगा और आपके साथ इसके बाद जो लैपटॉप रहेगा, तो लैपटॉप वाले जो आपको पैकेट रहेगा उस पैकेट में जो डेल है वो क्या, एक एक लैपटॉप रहता है, एक चार्जर रहता है और यूज़र मैनुअल और आपके कुछ या यूज़र मैनुअल रहते हैं, नथिंग 3 सेट उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका पैकेज। इसके अलावा आपको इनवॉइस मिलेंगे, वो इनवॉइस और वारंटी ये सब नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वो आपको मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी पैकेज की बात। अब आप आते हैं हम ऑफ़र पे। कई दोस्तों ने इसमें सवाल किया था कि ऑफ़र कैसे मिलेगा, क्या करना है। सिंपल है कि जब तक आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होता है, इनवॉइस आपके जीमेल पे आता है या फिर आपको जब इनवॉइस मिलता है उसके बाद ही वो ऑफ़र का प्रोसेस करते हैं।
सिंपल ऑफर प्रोसेस के लिए उन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है daleoffer.in आई थिंक। तो daleoffer.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ कुछ इनपुट्स डालना पड़ेंगे लाइक एसओ नंबर, आपका इनवॉइस नंबर, कब ख़रीदा था, कब परचेस किया था, कुछ नॉर्मल से डिटेल्स हैं। उसके बाद आप रजिस्टर्ड जैसे ही होंगे आपको एक मेल आएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड विद द डेल ऑफर। अब जब आप डेल ऑफर रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपको एक जनरेट की होती है, उस की को आपको बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं डेल ने, जो वन बाय वन प्रोसेस होते हैं, तो उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जैसे कि आपने डेल ऑफर में आपको टिक करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लेना है। अब डेल ऑफर में क्या क्या मिलता है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप यदि UPI से ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद 2000 का ये डिजिटल केस कार्ड देते हैं जिसमें ऑनलाइन परचेसिंग में आपको मतलब आप कर सकते हैं 2000 की 2000 का आप ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़े दिन बाद ही कमेंट्स में बता दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास उसका डिटेल नहीं आया है, वो प्रोसेस में चल रहा है। तो ये हो गया अपना डिजिटल केस कार्ड का 2। और 3 आता है, इसमें वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं अराउंड 1600 में, पर मैंने तो नहीं कराई है, जो नॉर्मल बेसिक डिफ़ॉल्ट मिली है 1 ईयर की मैंने बोली है, आप या 1 या 2 ईयर्स की आप एक्सटेंड करा सकते हैं। और जो थर्ड वाला है वो सबसे बेस्ट ऑफर है, वो है एलिनवेयर का हेडसेट 310H। ओके, दिस इज़ द मॉडल। यदि वो मॉडल आप गूगल करेंगे तो आपको वो अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे सीधे मिलेगा 7000-7000 का। और डेल, एक्चुअली वो डेल की कंपनी है एलिनवेयर। तो यदि आप लैपटॉप ख़रीदते हैं और लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसके बाद ये आपको 999 में ही कंपनी ऑफ़र करती है। उसके लिए आपको वहाँ पर टिक करना पड़ेगा और प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आप ये सब कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद डेल के इंटरनल प्रोसेस चलती है, आपको पेमेंट की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे 999। और जैसे ही आपका प्रोसेस चलेगा तो आप भी ट्रैक कर सकते हैं इस ID को, ऑफ़र ID को, आपका नंबर डाल के, मोबाइल नंबर और ये ऑफ़र ID डाल के उसको आप ट्रैक कर सकते हैं उस ऑफ़र साइट पर daleoffer.in पर। आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे आपका चल रहा है। पहले वो अकाउंट जो मेल का कंफर्मेशन है वो टीम को जाता है, फिर फाइनेंस टीम को सेटलमेंट करती है, फिर उनको पेमेंट मिला या नहीं मिला, फिर वो सब कुछ सेटल्ड होता है। उसके बाद आपको ईमेल आता है कि हाँ इट्स ऑल इज़ डन एंड आपका वो हमने शिप कर दिया है, और आप कैश कार्ड का जो डिटेल वो सब ईमेल पे आएगा। तो ये होगी की बात। अब ऑफर में इसके अलावा शायद कुछ बचा नहीं है, ठीक है। जो क्वेरी आपने करी थी वो मैंने बता दी है, ऑफ़र लेना चाहिए आपको एलिनवेयर का। और जो एलिनवेयर का जो हेडसेट है वो मैंने जैसे R&D किया है, वो ब्लूटूथ नहीं है, वो वायर्ड है, लेकिन उसका वो क्या है कि नॉइस कैंसिलेशन है। आपको उसका जो मतलब नॉइस का क्वालिटी मिलेगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आप जब सुनोगे तो आपको तब फील होगा कि यार हाँ ये है कुछ हेडसेट, क्योंकि एक्चुअली वो गेमिंग के स्पेसिफिक गेमिंग के रिक्वायरमेंट में उसको यूज़ करता है, लेकिन यू कैन ऑल्सो यूज़ एंड यू कैन एन्जॉय, राइट। सो ये हो गया ऑफ़र। अब ये फोर्थ पॉइंट है कि ये लैपटॉप यदि आप लेते हैं तो आपको इसके साथ क्या क्या आता है। यदि आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो सॉफ्टवेयर पर्पस में बोल रहा हूँ मैं, जो आप लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ आपको नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। MS ऑफिस यदि आपसे पूछेगा तो सिर्फ आपका जो MS एक्सेस का जो आप ईमेल ID यूज़ करते हैं वो आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको MS ऑफिस फ्री मिल जाएगा, आप यू कैन यूज़ एक्सेल, पावर पॉइंट और वट एवर, आउटलुक, यू कैन ईजी, राइट। अब ये 1 ईयर का नहीं, ये फुल टाइम रहता है। ओके, जो कि आपको वोस्ट्रो में शायद थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वोस्ट्रो में आपको खरीदना पड़ता है और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ दोनों में अंतर। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बचा है सिर्फ एक डेल वोस्ट्रो का मेन डिफरेंस, जो कि जनरली हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें कौन सा ख़रीदना है। और उसके बाद जो कुछ क्वेरी है मैं वो भी आपको एकदम से बता दूंगा जो दोस्तों ने की है वीडियो में। तो वोस्ट्रो और इसके लिए मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे इंस्प्रोन के लिए। देखो, अभी आप वोस्ट्रो ख़रीदेंगे डेल की साइट से तो इसमें स्पेसिफिकेशन यदि आप चाहते हैं i5 और 14 इंच विथ लाइक i5 इंटेल i5 और 14 इंच एंड प्लास्टिक बॉडी वोस्ट्रो में, तो आपको शायद नहीं मिलेगा डेल की साइट पे। आपको इसके लिए दूसरी साइट जैसे कि गूगल या फिर कोई दूसरी साइट फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा या कोई तीसरी साइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर एज़ पर योर कन्वीनियंट आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 3 मेन कॉन्फ़िगरेशन, 14 इंच में फाइबर बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और i5 प्रोसेसर, इंटेल i5 प्रोसेसर। तो अभी यह डेल पे नहीं है, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूँ कि शायद कुछ दिन में वो शायद आने वाला है, मैं श्योर नहीं हूँ। आप डेल पे थोड़ा कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि अभी i5 14 इंच में चाहिए तो आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन वोस्ट्रो यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको या तो i3 लेना पड़ेगा या फिर आपको 15 इंच लेना पड़ेगा, ठीक है, ये पक्का है, या तो i5
सॉरी, या तो आपको 15 इंच लेना पड़ेगा i5 के साथ, और यदि 14 इंच में लेना है तो i3 जाना पड़ेगा। इसमें कुछ मॉडल मैंने लिखे हैं, एक है i3 में 3501 वोस्ट्रो, और i5 में है 3590 15 इंच, और एक i5 में 3480 14 इंच है, जो कि साइट पे है शायद अमेजन पे 3480 14 इंच। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको 11th जनरेशन नहीं मिलेगा शायद, वो कुछ तो नॉर्मल 5th जनरेशन है कुछ है वो है। तो जो डेल कंपनी ने क्या किया है कि डेल कंपनी जो वोस्ट्रो सीरीज निकाली है, वोस्ट्रो सीरीज पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, वो बिजनेस परस्पेक्टिव के लिए है। जैसे किसी एम्प्लॉय के लिए, जो एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं उनके लिए वो बनाया गया है, वो हमारे लिए नहीं बनाया है। तो वोस्ट्रो इज़ अ बिल्ड क्वालिटी ठीक है, उसकी ज़्यादा बेटर है। यदि आप प्लास्टिक में लेंगे तो घर में यदि कोई चाइल्ड है, किड है, तो आप आराम से उसको ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। डेट्स इज लाइक ठीक है, वो ठीक है बात, वो बिल्ड क्वालिटी, पर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब वो आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ डायरेक्टली, तो आप इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, कंपनी ने जो डेल कंपनी ने एक टेग लाइन बनाई है वोस्ट्रो के लिए, वो लिखा है एवरीडे कंप्यूटिंग, और इंस्प्रोन के लिए बनाई कनेक्ट टू योर वर्ल्ड। इसी से हमें पता चलता है कि भाई एवरीडे कंप्यूटिंग करना है तो वोस्ट्रो ले लो, और यदि आपको अच्छा कनेक्शन टू वर्ल्ड, मतलब मोर कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा स्टाइलिश, लाइट वेट और बढ़िया, मतलब आपको हर चीज़ चाहिए तो आप इंस्प्रोन ले लो, राइट। यू कैन टेक इंस्प्रोन सीरीज, और वोस्ट्रो सीरीज है मच ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू द इंस्प्रोन। मतलब यदि आप ड्यूरेबिलिटी के साथ जाएंगे वो प्लास्टिक, तो डेफिनेटली वोस्ट्रो मुझे भी थोड़ा सा हैवी अच्छा लगा, और वी कैन यूज़ वोस्ट्रो फॉर लॉन्ग टाइम। इफ सपोज़ यू वांट लॉन्ग टाइम एक्टिविटी, लॉन्ग टाइम वर्क, सो वोस्ट्रो इज़ बेटर देन इंस्प्रोन, एंड इट विल कम लाइक इन फाइबर बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। इंस्प्रोन मेक लेस प्रोसेसर फेन साउंड एज कम्पेयर टू वोस्ट्रो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो नया इन्होंने इंस्प्रोन बनाया है 5402, इसमें जो फ़ैन का प्रोसेसर का जो आवाज़ है वो बहुत कम आता है, वो नहीं आता है लगभग, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। वहीं आप वोस्ट्रो में देखेंगे शायद आपको फ़ैन का साउंड सुना जा सकता है। फ़ैन के बारे में मैं फिर बात करता हूँ थोड़ी देर बाद, वो डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद जो बीजल एरिया होता है, बीजल एरिया मीन्स नथिंग बट जो स्क्रीन के आसपास का जो एरिया होता है वो हम बीजल एरिया बोलते हैं। तो वो आपको इंस्प्रोन में थोड़ा सा, ये जो बीजल एरिया है आसपास, ये थोड़ा इंस्प्रोन में कम होता है, वोस्ट्रो में ज़्यादा होता है। वोस्ट्रो इस टाइप का रहता है, देखो ये, ठीक है, ये यहाँ पे भी इसका जो गैप ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे भी ज़्यादा होता है। ये एक्चुअली लेटीट्यूड है, बट ये इस टाइप का ही रहता है। तो आपको बीजल एरिया ज़्यादा रहता है वोस्ट्रो में, इंस्प्रोन में कम रहता है। इंस्प्रोन इज़ डिज़ाइंड फॉर गुड लुकिंग स्लिम लाइट वेट एंड डिसेंट लुक एंड मेटालिक बॉडी, बट आपको वोस्ट्रो में ये सब प्लास्टिक बॉडी मिलेगी। इंस्प्रोन लाइट वेट एंड वोस्ट्रो बिट हैवी एज कम्पेयर, ओके। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ ब्लैक कलर विद स्क्रेच रेजिस्टेंस एंड हैवी ड्यूरेबल बॉडी, देन यू कैन सेलेक्ट वोस्ट्रो, इट इज़ अ बिजनेस लैपटॉप, रफ एंड टफ यूज़, ओके। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ प्रीमियम लैपटॉप लाइक गुड लुकिंग होम पर्सनल यूज एंड विथ अ डिफरेंट कलर लाइक डिफरेंट की, वोस्ट्रो इज लाइक ओनली इन ब्लैक कलर, सम ग्रे कलर ओनली, बट इफ़ यू वॉन्ट सिल्वर कलर एंड सम स्टाइलिश कलर, सो यू कैन चूज इंस्प्रोन। एंड इन इंस्प्रोन यू विल गेट सम मोर इंस्टॉलेशन फ्री लाइक MS Office एंड अदर लाइक मेक अ फ्री फॉर 1 month, सम सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट इन वोस्ट्रो दे डजेंट स्टार्ट एनी इंस्टॉलेशन, ओके। एंड फॉर सपोर्ट ऑल्सो यू विल गेट अ मोर सपोर्ट फ्रॉम डेल साइड फॉर इंस्प्रोन, नॉट फॉर वोस्ट्रो, राइट। एंड वी कैन नॉट बाय सिंगल वोस्ट्रो पीस फॉर पर्सनल यूज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परचेज इफ यू यूज़ अ पर्सनल लैपटॉप और यू वॉन्ट वोस्ट्रो, सो इट बिट लाइक डिफिकल्ट इफ यू यूज़ अ परचेज, देन GST नंबर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर वोस्ट्रो। इफ़ यू यूज़ अ बिजनेस देन वोस्ट्रो एज सिंपल, इट्स सिंपल। यदि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज है, एम्प्लॉई है, तो यू कैन गो फॉर वोस्ट्रो, अदरवाइज इंस्प्रोन, सिंपल। सो फाइनली सजेशन ये है कि इंस्प्रोन इज़ बेटर लुक फॉर बेटर लुक, बेटर लाइट वेट, बिल्कुल स्मॉल कॉम्पैक्ट लैपटॉप, एंड वोस्ट्रो इज़ लिटिल बिट हैवी प्लास्टिक बॉडी एंड सो ड्यूरेबिलिटी इज़ हाई, ओके। सो दैट इज़ अ वोस्ट्रो, सो यू कैन नाउ यू कैन डिसाइड विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। फॉर मी इंस्प्रोन इज़ बेस्ट, सो आई परचेस्ड इंस्प्रोन, यू कैन ऑल्सो परचेज वोस्ट्रो और इंस्प्रोन, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। सो हमारा ये हो गया डेल एंड वोस्ट्रो पे। अब मैं कुछ क्वेरी कवर कर रहा हूँ जो कि क्वेरी मेरे दोस्तों ने पूछी थी, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेरी थी ऑर्डर प्रोसेस, वी कैन गेट लाइक हाउ टू ऑर्डर प्रोसेस और लाइक दिस। तो आप डेल इंडिया की साइट पे जाइए,
वहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कीजिए 5402 इंस्प्रोन, एंड उसके बाद आप नॉर्मल सा उसको कॉन्फ़िगर कीजिए, आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या अनसेलेक्ट करना है, और आप डायरेक्टली उसे ऐड टू कार्ट कर दीजिए, और उसके बाद एक प्रोसेस होती जाएगी, आपको ईमेल मिलता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप डेल पर डायरेक्टली उस पर कॉल कर सकते हैं। ओके, आपको एक राइट साइड में एक पॉपअप आता है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं आपका ऑर्डर स्टेटस क्या है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये देना था कि आप जब भी UPI ट्रांजेक्शन करें तो जो QR कोड आता है स्क्रीन पे, तो आप उसको स्कैन ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्कैन करने पे आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा लेकिन आपका ISO नंबर जनरेट नहीं होगा, और यदि ISO नंबर जनरेट नहीं हुआ तो आपको खुद मैनुअल बात करना पड़ेगी डेल से, उसके बाद ISO नंबर जनरेट होगा। तो इन प्लेस ऑफ QR स्कैन कोड यू जस्ट इनपुट योर VPI एड्रेस एंड देन यू कैन डू द VPI ट्रांजेक्शन। प्लीज़ अवॉइड QR स्कैन कोड। ओके, ये मेरा सजेशन है, इट्स डिपेंड ऑन यू एज वेल, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने QR कोड स्कैन किया था तो मेरा अमाउंट डिबिट हुआ था लेकिन ISO नंबर जनरेट नहीं हुआ था, और फिर मैनुअली ये सब काम करना पड़ा। तो आप जनरली VPI एड्रेस जो होता है वो VPI एड्रेस करिए, उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट आपके UPI पे आएगा और वो आप फिर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और ट्रांजेक्शन कर लीजिए, तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। एक दोस्त ने बोला था फ्रेंड ने कि ये वर्थ प्राइस है या नहीं, क्योंकि वास्तव में 59,000 का है, तो लैपटॉप वर्थ है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी ये वर्थ है, क्योंकि i5 में यदि आप 14 लेना चाहते हैं और आपको 11th जनरेशन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं पे और इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे 2000 का कैशबैक, 1000 का आपको डिस्काउंट और ये सब कुछ मिलके मेरे को लग रहा है 55 तक पड़ रहा है ये। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ ही है, क्योंकि और कहीं पे आप जाओगे तो मुझे लग रहा है 60 के ऊपर आपको i5 के देने पड़ रहे हैं, राइट, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो बेटर है कि यही लेना बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और बिल्कुल मतलब ड्यूरेबल भी है, ऐसा नहीं है, ड्यूरेबल भी है, सब कुछ बढ़िया है, और वर्थ लगा मुझे तो, क्योंकि आप जब इसको रन करेंगे SSD पे, तो अभी मैं बताता हूँ मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे थे वो इतनी जल्दी हो गए कि आई एम वेरी सरप्राइज, बहुत जल्दी डाउनलोड हुए, और वास्तव में SSD इट्स वेरी फास्ट प्रोसेसर, SSD मतलब इट्स वेरी फास्ट टू प्रोसेसर एंड इट विल वेरी हेल्प टू लाइक डाउनलोड ऑल द सॉफ्टवेयर वेरी इजीली, राइट। सो मेरे हिसाब से वर्थ है 55 में। और किसी ने पूछा था कि प्राइस ड्रॉप होगा कि नहीं फ्यूचर में, तो हम मतलब ये तो नहीं बता सकते कि प्राइस होगा कि नहीं, क्योंकि इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद नहीं होंगे। ओके, फिंगरप्रिंट सेंसर। ओके, सो कई दोस्तों ने ये भी पूछा कि सर इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं ये बताइए, तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है 5402 इंस्प्रोन में, और मुझे लगता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यदि सिक्योरिटी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं पासकोड, 4 डिजिट का पासकोड यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आपको सिंपल पावर बटन मिलता है, वहाँ पे पावर बटन दबाया वो स्लिप हो जाएगा, और आपने फिर वापस ऑन किया तो आपको पासकोड डालना पड़ता है, पासकोड जनरली आप 4 डिजिट का रख सकते हैं, तो सिंपल सेंसर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर आपने पूछा था ये बिल्ड क्वालिटी इसका कैसा है, तो एज़ कम्पेयर, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि यदि आप वोस्ट्रो अभी जो नया वोस्ट्रो जो लॉन्च कर रही है डेल सीरीज, राइट, i5 में 3501, उसका भी मेटेलिक बॉडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसका भी मेटेलिक बॉडी है, वो प्लास्टिक बॉडी में नहीं है। और यदि पुराने मेटेलिक बॉडी जो प्लास्टिक बॉडी वाले वोस्ट्रो हैं वो उनका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जो ये प्लास्टिक है ये बहुत हेवी है, ओके, कहीं पे भी ये गिरेगा तो कुछ नहीं होता है, ये मेटेलिक बॉडी है, इस पर मेटेलिक बॉडी पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं लिटिल बिट थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी कम रहता है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे लेके फेंक देंगे तोड़ देंगे, ऐसा तो करेंगे ना, खेलना थोड़ी ना उसको चलाना है, तो बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। इसकी खास बात ये कि जो इसका रकी है रबर की, इसको जब आप प्रेस करते हो तो आपको फीलिंग बहुत अच्छा आता है, स्मूथ फीलिंग है, मतलब ये रबर की है, स्ट्रोक्स अच्छे हैं इसके, वो आपको काफ़ी इजी टाइप होगा। ओके, तो वो बहुत अच्छा आपका फीलिंग है मेरे हिसाब से, जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है, इसका की बहुत काफ़ी अच्छा है 5401 का। एंड कैश ऑन डिलीवरी, किसी ने पूछा था कैश ऑन डिलीवरी सर है कि नहीं, देखो इसमें जो 3 ऑप्शन है आप जब परचेसिंग करते हैं, तो एक तो है इसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, आप एक EMI ले सकते हैं नो कॉस्ट EMI, और एक आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है इसमें। ओके, बस ये इंटरनेट बैंकिंग और इन्हीं से आप शायद कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है बैटरी बैकअप, सो बैटरी बैकअप मैंने बताया कि इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 7 से 8 आवर्स आप नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, साउंड मीडिया वीडिया सब सुनेंगे तो आपको 6-7 तक तो देगा ये बैकअप, और 1.42 आवर्स तक इसमें फुल चार्ज के लिए लगते हैं, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, 4 सेल बैटरी है।
और प्रोसेसर फ़ैन, आप प्रोसेसर फ़ैन का बहुत अच्छा इशू है कि कई लोगों ने मुझे इसमें बताया था कि सर इसमें आपको फ़ोन फ़ैन प्रोसेसर फ़ैन की आवाज़ आ रही है क्या, आप फ़ील कर रहे हैं क्या? तो मुझे मैंने थोड़े दिन चलाया और मैंने फ़ील किया कि हाँ प्रोसेसर फ़ैन की तो कहीं से आवाज़ आ नहीं रही है, तो क्या ये इतना हीट होता है क्या? तो हीट तो नहीं हुआ, ये नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल सा हीट होता है। अब उसका फिर मैंने डेल को भी कॉल किया, मैंने पूछा उनसे कि ये प्रोसेसर का क्या है, इसमें फ़ैन की आवाज़ नहीं आ रही है। तो मुझे टेक्निकल टीम ने बोला कि इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो कि नॉर्मल 4-2000 पे रन होता है RPM। उन्होंने एक टेस्ट किया, वो टेस्ट का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पर मैं आपको फ़ैन की बात बता देता हूँ। यदि आप इसमें नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो ये फ़ैन रन नहीं होता है। फ़ैन रन होता है लेकिन वो कब लोड पे ज़्यादा होगा, जब आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर करेंगे यूज़, तब वो ज़्यादा रन होता है और तब आपका आवाज़ आएगी। अदरवाइज़ सिंपल वर्क कर रहे हैं तो वो फ़ैन इतना साउंड नहीं करता है, राइट? तो फ़ैन का ये है इसमें, और फ़ैन के लिए इसमें सिंपल सा इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसमें बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करता है वो। इसके लिए डेल टीम ने क्या किया है कि इसको सबसे पहले आप स्विच ऑफ़ कर दीजिए, ओके, स्विच आपने शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन की दबा के रखना है और उसके साथ पावर बटन दबाना है, दोनों, पहले फंक्शन की फिर पावर बटन दबा के रखना थोड़ी देर होल्ड करके, फिर एक प्रोसेस चालू होगी जिसको टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, एक टेस्टिंग चालू हो जाएगी। आप दोनों की को रिलीज़ कर देना, फिर आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रोसेस चलती है टेस्टिंग, वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देगी कि भैया आपको इसमें सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, अलग अलग फंक्शन है। यदि कुछ नहीं चल रहा होगा तो उसके आप डेल टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और उसके ड्राइवर से और वो सब वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यदि टेस्टिंग सक्सेस हो गई तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई इशू नहीं है। उसमें पर्टिकुलर फंक्शन को आप टिक अनटिक करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं, वो आप इजीली समझ जाएंगे। शॉर्टकट की क्या है, फंक्शन दबा के रखना और शटडाउन के बाद पहले फंक्शन दबाना, फिर पावर दबाना और थोड़ी देर रिलीज़, 3 सेकंड बोल के रिलीज़ कर देना, टेस्टिंग चालू हो जाएगी। और मैंने प्रोसेसर फ़ैन का देखा तो प्रोसेसर फ़ैन बिल्कुल करेक्ट रन हो रहा था। उसमें तीन कुछ उसकी स्टेज रहती है और उसका एवरेज उन्होंने देखा तो बिल्कुल सही था। तो प्रोसेसर फ़ैन का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, नया टेक्नोलॉजी है और कोई आवाज़ कोई साउंड नहीं करता है। जो हीट है वो यहाँ से निकल जाती है, मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हीट वहाँ से निकल जाती है। तो ये हो गया आपका प्रोसेसर फ़ैन का। और डिस्प्ले के बारे में मैंने बता ही दिया है, इस फुल HD डिस्प्ले है, काफ़ी बेस्ट है, ओके, बिल्कुल बिंदास लीजिए आप FHD। और अपग्रेड आप क्या कर सकते हैं, रैम को आप 32 GB अपग्रेड कर सकते हैं, और आपका यदि SSD अपग्रेड करना है तो 2 TB तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। यदि 512 भी ऑलरेडी है, 512 भी नया लेंगे तो आप 6,000 से 7,000 तक पड़ता है उसका SSD का। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का, 32 मिनट हो चुके हैं इसको, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। देखो दोस्तों, मेरा जो कंसर्न होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ। जो क्वेरी आपकी है, आपके जो डाउट हैं वो मैं क्लियर करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है ताकि यूज़र्स को अच्छा लगे और उनको कोई डाउट हो तो मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, राइट? उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे व्यू तो ज़्यादा हो जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं है अभी, तो प्लीज़ आई वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यहीं मुस्कुराते रहिए। तो दिस इज़ द इंस्ट्रोन 5402 14 इंच। आई होप आपके सब क्वेरी रिजोल्व हुए होंगे, यदि आप नहीं हुए तो अभी भी आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस पर अपने क्वेश्चन कर लीजिए, मैं डेफिनेटली दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।